फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्लिंग प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमाल हसन जी की मच वेटेड आपके मूवी कालकी को लेकर। फ्रेंड आजकल आपने सुना होगा स्पेशली बड़े मियां छोटे मियां और मैदान के फेलियर के बाद कि एक चर्चा की जा रही है बॉलीवुड में कि जो स्टार की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे वजह से मूवी का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके एक्सपेंसिस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि उसे हिट का वर्डिक लेने के लिए, उसे बॉक्स ऑफिस सक्सेस होने के लिए बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ता है। एक लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने इसी ईयर रिलीज होने वाली मूवी फाइटर है, जिसे 200 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन करने के बाद भी सिर्फ सेमी हिट का टैग मिल सका है, जबकि आर्टिकल 370 जैसी मूवी, क्रू जैसी मूवी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी मूवीज 100 करोड़ से भी कम कलेक्शन करके वो हिट या सुपर का टैग ले सके हैं। फ्रेंड ऐसे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रभास की आपकी मूवी कालकी का टोटल बजट कितना है और इसमें जो स्टार हैं जिनमें प्रभास अन्ना है, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन जी, कमाल हसन जी और दिशा पटानी, इन सब की कितनी कितनी फीस है जो उन्होंने चार्ज की है। फ्रेंड कालकी मूवी का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है। इनिशियली हम सबको लगता था कि इस मूवी का VFX बहुत ही महंगा लिया गया है, काफ़ी इस पे एक्शन स्टंट्स पे काम किया गया है, तब इसका बहुत ज़्यादा बजट है। लेकिन कैन यू इमेजिन के 35% जो इसका बजट है वो सिर्फ स्टार्स की फीस देने में ही चला गया है। 25% टोटल मूवी का बजट हमारे प्रभास अन्ना ले गए हैं, जिन्होंने 150 करोड़ चार्ज किया है। दीपिका पादुकोण ने 20 करोड़, अमिताभ बच्चन जी ने 18 करोड़, कमाल हसन जी ने सिर्फ एक कैमियो है उनका, कमाल हसन जी की स्क्रीन प्रेजेंस इस मूवी में आपको 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, 18 करोड़ उन्होंने चार्ज किया है और दिशा पटानी बिचारी ने ठीक चार्ज किया है, उसने सिर्फ 2 करोड़ लिए हैं। फ्रेंड एक और भी आजकल चर्चा की जा रही है कि क्यों ना जो ए लिस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनकी फीस ना दी जाए बल्कि उनका प्रॉफिट में शेयर रख दिया जाए। यानी अगर आपकी मूवी डे वन पे 100 करोड़ करती है वर्ल्ड वाइड तो उसमें से आपका कुछ रेशियो हो, इसी तरह जितनी लाइफ टाइम कलेक्शन हो उसमें से प्रॉफिट का रेशियो उन एक्टर और एक्ट्रेस को दिया जाए। आई थिंक जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें प्रॉफिट वाला काम है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो सो कॉल्ड सुपरस्टार बने हुए अपने मुंह से जिनकी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग्स नहीं लगती वो मूवी पे सिर्फ बोझ बने हुए हैं इस टाइम। तो फ्रेंड हम उम्मीद कर सकते हैं कि कालकी का वर्ड माउथ अच्छा आए और वो एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड 700, 800 या इवन 1000 करोड़ क्लब में इंटर होए, ताकि वो इजीली सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर का टैग ले सके और जिसने पैसा इन्वेस्ट किया कालकी जैसे ब्रिलियंट प्रोजेक्ट पे उन सबका पैसा वसूल हो सके और उनकी जेब में अच्छा खासा प्रॉफिट आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।